Good morning everyone, I am Deepak Soni, I am your physics teacher. Today I am going to start our next topic in chapter number 1 is dimensional formula. ठीक है, तो आज हम लोग dimensional formula के बारे में देखेंगे कि dimensional formula क्या होता है और dimensional formula हम लोग किस तरीके से derive करते हैं from the fundamental units. ठीक है, जो भी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उससे हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव करते हैं. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन, ठीक है, द एक्सप्रेशन विच गिव्स द रिलेशन ऑफ डेराइव यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, मीन्स जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है उसकी जो भी डेराइव यूनिट होती है, ठीक है, उसके एक्सप्रेशन को जो रिलेशन के फॉर्म में बताता है विच द फंडामेंटल यूनिट्स इन द टर्म ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, मीन्स किस किस के बीच में रिलेशन है, गिव्स द रिलेशन ऑफ डेराइव यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद द फंडामेंटल यूनिट्स इन द टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला. ठीक है ना, तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो डेराइव यूनिट का रिलेशन किसके साथ, फंडामेंटल यूनिट के साथ जो रिलेशन होता है उसको हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले में क्या करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल अबाउट क्या क्या चीजें हमको इन्फॉर्मेशन इससे मिलती है डायमेंशनल फॉर्मूले से. द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ विच द क्वांटिटी डिपेंड, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है. नंबर सेकंड द नेचर ऑफ डिपेंडेंस, नेचर ऑफ डिपेंडेंस के ऊपर भी जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है. ठीक है, तो डायमेंशनल फॉर्मूले को ऑलवेज हम लोग किस में लिखते हैं, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसको एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, और अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में जो सेवन फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उसको हम लोग किस तरीके से बताते हैं, जैसे कि हमारा जो मास होता है उसको कैपिटल एम से शुरू करते हैं. ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं कि मास को किस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं. जो मास होता है, सेवन जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसमें हम लोग मास को किस तरीके से करते हैं, मास को हम लोग डिनोट करते हैं यहाँ पे कैपिटल एम से. ठीक है, जो मास के बाद जो नेक्स्ट है हमारा उसके बाद है लेंथ, लेंथ को हम लोग डिनोट करते हैं एल से, टाइम को डिनोट करते हैं यहाँ पे टी से. ठीक है, और ठीक है, टाइम को हम लोग कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, जो टेम्परेचर होता है उसको हम लोग कैपिटल के से डिनोट करते हैं. ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को सीडी से डिनोट करते हैं, कैंडीला. ठीक है, और जो हमारा मोल होता है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं. ठीक है, और एक और यूनिट होती है मोल, सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, को मोल से मीन कैपिटल एम से या फिर एम ओ एल ई, मोल से हम लोग इसको डिनोट करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से सेवन जो फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं उनके हम लोग इस तरीके से इसको ड्राइव करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इसमें हमारा जो टॉपिक है आगे है कि कौन कौन सी एग्जांपल, जैसे आप हम लोग देखते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के उसके एग्जाम्पल होते हैं. जैसे नंबर फर्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम, अब वॉल्यूम किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे नंबर फर्स्ट की बात करें वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू हाइट इनटू विड्थ, लेंथ को हाइट इनटू विड्थ. तो यहाँ पे किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेंथ को भी हम लोग एल से डिनोट करते हैं, विड्थ को भी हम लोग यहाँ पे मतलब लेंथ के फॉर्म में डिनोट कर लेते हैं और इसको भी लेंथ कर दो एल क्यू, इसका फॉर्मूला हो जाता है फंडामेंटल यूनिट यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला. उसके बाद अगर बात करते हैं स्पीड का, तो स्पीड इज इक्वल टू हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस को हम लोग मीटर में डिनोट करते हैं और टाइम को हम लोग किस में डिनोट करते हैं, यहाँ पे
टाइम को हम लोग टी से डिनोट कर लेते हैं, इसका क्या बन जाएगा यहाँ पे डायमेंशन ऑफ, तो सॉरी लेंथ में डिनोट करते हैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा एम जीरो एल टी माइनस वन। इस तरीके से हमारा ये डायमेंशन में फॉर्मूला आ जाएगा स्पीड का। थर्ड जो डायमेंशन में फॉर्मूला है वो है एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी के मीन एल टी माइनस वन अपॉन टी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एम जीरो एल टी माइनस टू। इस तरीके से इसका आ जाएगा फॉर्मूला एम जीरो एल टी माइनस टू। इस तरीके से ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एक्सेलरेशन का। और भी डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग यहीं पर देख लेते हैं कौन कौन से डायमेंशनल फॉर्मूले हम लोग डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एरिया को हम लोग लेंथ इनटू ब्रेथ से डिनोट करते हैं, तो इसका भी क्या हो जाएगा एल स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम मीन लेंथ इनटू हाइट इनटू ब्रेथ। फिर डेंसिटी इज इक्वल टू देख लेते हैं यहाँ पे जो है डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास को अभी हमने देखा एम से डिनोट करते हैं और वॉल्यूम को डिनोट करते हैं एल क्यूब से, क्या बन जाएगा एम एल जीरो सॉरी एम एल माइनस थ्री टी जीरो। ठीक है, तो एम एल क्यूब टी जीरो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो बनेगा वन ऑफ फिफ्थ बस देख लेते हैं, इसमें जो होता है रिलेटिव डेंसिटी एक्सेलरेशन का हमने देख लिया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन और मास का क्या होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का हमने देखा था एल टी माइनस टू, तो क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस टू, यहां से आ जाएगा फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन होती है, यहां पे हमको पता है। उसके बाद पावर का फॉर्मूला देख लेते हैं यहां पे, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, वर्क पर यूनिट टाइम, और जो वर्क होता है उसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, तो वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, ठीक है इनटू एल। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे जब हम बात करेंगे कि एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, आ जाएगा एम एल एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। तो इस तरीके से डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा हमारा फंडामेंटल यूनिट्स का। और भी यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं वो तुमको बुक्स में मिल जाएंगे, तो उसको जिस उसमें हमको देख लेना है। ठीक है, अब प्रेशर का भी क्या होता है, जैसे फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का भी देखा हमने क्या होता है एम एल टी माइनस टू होता है, इसको अगर एरिया मीन एल स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो एम एल माइनस वन यहाँ पे टी टू टी टू दी पावर माइनस टू, और स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से जो भी फंडामेंटल होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं और डिराइव यूनिट के बीच में क्या बता देते हैं रिलेशन शो कर देते हैं, तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूले बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो दैट इज सफिशियंट फॉर टुडेज क्लास एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विथ नेक्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। सो थैंक यू सो मच।